हेलो दोस्तों, वॉशिंग मशीन में पानी की इनपुट सप्लाई के लिए टेप अडेप्टर नल में कैसे लगाते हैं और बिना टेप अडेप्टर वाला नल भी कैसे लगाते हैं वो जानेंगे। इस टाइप का अडेप्टर होता है जिसमें चार स्क्रू होते हैं। इसमें इन स्क्रू से ही ये नल में सेट होता है। स्क्रू लूज करके लगा देते हैं और नल में लगा के स्क्रू टाइट कर देते हैं। इसमें एक रबर रिंग भी होती है जो हम खोल के देख लेते हैं। इसमें एक रबर रिंग और एक ये प्लास्टिक की रिंग है और इसके अंदर थ्रेड रहती है जिससे वो लग जाता है और इसको नल में लगाते हैं ये। अब इसको नल में कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना पूरा समझने के लिए। इसके स्क्रू लूज कर देते हैं। चारों स्क्रू को बराबर खोलना है जिससे पानी लीकेज नहीं होगा। इसमें ये प्लास्टिक की रिंग नहीं लगाते हैं। प्लास्टिक की रिंग हर नल में सेट नहीं होती है इसलिए इसको रहने देते हैं। बाकी रबर रिंग के साथ में लगा देते हैं इसको। इसके अंदर थ्रेड रहती है और इसके पीछे ये नली लगाने का होता है। इसमें डायरेक्ट नली लगती है। नल के साइज का स्क्रू लूज कर देते हैं। इसमें हमें दो स्क्रू को टाइट रखना है। बाकी आगे के दो स्क्रू से ही वापस खुल जाएगा ये। इस तरह लगा देते हैं इसको। स्क्रू को थोड़ा टाइट कर देते हैं। इसमें अगर हमने खोलना हो तो आगे के दो स्क्रू खोलेंगे जिससे ही खुल जाएगा। चारों स्क्रू को लूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये रबर रिंग को बीच में लगा के बीच में रख के इस तरीके से लगा देते हैं इसको। टाइट कर देते हैं इसको। इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है। पानी लीकेज नहीं हो उतना ही टाइट करना है। चला के देख लेते हैं पानी। पानी चेक करने के लिए इस तरीके से चेक कर लेते हैं। इसको लूज करेंगे थोड़ा तो ये लीकेज हो रहा है। वापस टाइट कर देते हैं हल्का सा और अब नहीं हो रहा है। इसे अगर खोलना है तो हम इसे एक स्क्रू लूज करके ही खोल सकते हैं। वापस लगाने के लिए भी इसे लगा के एक स्क्रू टाइट कर देते हैं इसे तो ये हो जाता है। अब इसमें देख लेते हैं ये पानी लीकेज हो रहा है। थोड़ा टाइट कर देते हैं इसको। अब इसमें पाइप कैसे लगाते हैं वो दिखा देते हैं। ये यहाँ इस नल में हमने पाइप पहले से ही लगा रखी है। इसको खोल के वापस लगा के दिखा देते हैं।
इसको गैस सिलेंडर की तरह ही खुलता है, सिलेंडर का रेगुलेटर की टाइप होता है। इसको पीछे नीचे की तरफ खिसका के हम इसको लगा देते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा हल्का सा घुमा के ऐसे फिक्स हो जाता है, कंप्लीट हो गया है। चालू करके देख लेते हैं। अब हम इसे वॉशिंग मशीन में देख लेते हैं पानी कैसा आता है वो। ये वॉशिंग मशीन फुल ऑटोमेटिकली वॉशिंग मशीन है, जितने पानी की ज़रूरत है उतना लीटर पानी सेट करके इसको स्टार्ट कर देते हैं, उतना पानी आ जाएगा। वॉशिंग मशीन के साथ अगर ऐसा टेप अडेप्टर नहीं आता है और अगर आपको टेप अडेप्टर खरीदने की ज़रूरत हो तो आप इस अडेप्टर की जगह ऐसा नल, टेप अडेप्टर वाला नल भी ले सकते हैं, जिससे कि इसमें पानी लीकेजिंग की कोई समस्या नहीं रहेगी और इसमें नल में डायरेक्ट वॉशिंग मशीन की नली लग जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और अगर आप हमें कुछ पूछना चाहें तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।